आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। नवमी तक माता के 9 स्वरूपों की होगी पूजा अर्चना। मंदिरों में बढ़ी भक्तों की संख्या। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव। भस्म आरती के दौरान अब नंदी हॉल में रहेगी प्रवेश पर पाबंदी। केदारनाथ यात्रा के लिए 5% बढ़ाया जाएगा हेलीकॉप्टर सेवा का किराया। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होगी यात्रा। बद्रीनाथ केदारनाथ की सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस को सौंपने की तैयारी। अब तक कपाट बंद होने के बाद आईटीबीपी करती थी सुरक्षा। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में पहले दिन देवी के शैल पुत्री रूप की आराधना की जाती है। आज से नवमी तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस पावन अवसर पर बाजारों के साथ ही मंदिरों में भी रौनक बढ़ गई है। देश भर में देवी के मुख्य मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। चैत्र नवरात्रि को बासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2081 भी आरंभ हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रबंध समिति ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत भस्म आरती के दौरान अब नंदी हॉल में भी प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही गर्भगृह और नंदी हॉल में भी VIP पास पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को भी बंद कर दिया गया है। दोनों जगह केवल वही पुजारी रहेंगे जिनकी ड्यूटी होगी। मीडिया कवरेज के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन दिन यानी 10 मई को हो जाएगी। इस बीच यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का किराया 5% बढ़ा दिया जाएगा। 10 मई से ही गुप्त काशी सिरसी और फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों को पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और एक व्यक्ति की ID से एक बार में अधिकतम 6 सीट ही बुक की जा सकेंगी। ग्रुप में यात्रा करने वाले एक बार में 12 सीटें बुक कर सकते हैं। उत्तराखंड के 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सुरक्षा का जिम्मा अब पूरी तरह से उत्तराखंड पुलिस को सौंपने की तैयारी है। अब तक दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद ITBP सुरक्षा करती थी, लेकिन कुछ ही समय में ये व्यवस्था बदल जाएगी। इसके लिए राज्य पुलिस के जवानों को विशेष तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से विशेष टीम का गठन किया जा रहा है। जम्मू के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बोर्ड की 72वीं बैठक के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इसमें जम्मू हवाई अड्डे से कटरा के बीच सीधी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने से जुड़ा निर्णय भी शामिल है। इसके अलावा कटरा के नारायणा अस्पताल के पास करकरियाल इलाके में एक मेडिकल कॉलेज बनवाने की भी मंजूरी दी गई। इस दौरान कुल 27 प्रस्ताव मंजूर किए गए। देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी में आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित भगवान शंकर आश्रम द्वारा मां अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना के अंतर्गत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मासिक राशन वितरण किया गया। कुल 24 अति निर्धन और वंचित परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज के निर्णय के अनुसार मानवता के कल्याण के लिए यह अभियान गत 2020 से संचालित है। इसमें सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है।